Hey guys, welcome back to my channel Innovative Cooking. और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हम सभी की फेवरेट राजमा चावल की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत इजीली अपने घर पे हर बार बहुत ज़्यादा टेस्टी राजमा चावल बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ये राजमा, और राजमा को मैंने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था। अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में सोख करके रखा था, और पानी में सोख करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। अभी मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पर मैंने ली है एक प्रेशर कुकर, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 दालचीनी और 1 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ ये राजमा जिसे हमने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था। इसकी मैं लिड लगा देती हूँ, और इस राजमा को हमें कुक करना है जब तक कि कुकर से 6 से 7 विसल ना आ जाए। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम ही रखा है। प्रेशर कुकर में 6 सीटी आ गई है, तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। 5 से 10 मिनट के बाद इसकी जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगी, उसके बाद हम इसकी लिड ओपन करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो राजमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गई है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इस प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। तीन से चार मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्यूमिन पाउडर। मसालों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। 1 मिनट बाद ही आप देख सकते हैं मसालों की साइड से ऑयल सेपरेट होने लगी है, मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टमाटर जिसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप करके रखा है। टमाटर को भी हम मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। चार से पांच मिनट के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो टमाटर है ये भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, एंड टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं, इनकी साइड से ऑयल सेपरेट होने लगी है। और अभी जो हमने राजमा कुक किए थे प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर की लिड मैंने ओपन कर ली है। ये जो हमारे राजमा हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, ये अच्छे से कुक हो चुकी है। तो ये जो राजमा है अभी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ग्रेवी में। पानी के साथ ही मैंने राजमा ऐड किया है जिस पानी में हमने राजमा को कुक किया था, क्योंकि पूरा फ्लेवर्स जो है वो पानी ने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए पानी के साथ ही मैंने राजमा को ऐड किया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐड कर रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमें इसमें ज्यादा नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि राजमा कुक करते वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम इसे चावल के साथ सर्व करने वाले हैं, तो हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए। ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैं यहाँ पर कसूरी मेथी यूज कर रही हूँ, कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और इसे मैं कवर करके कुक कर लूंगी फॉर अबाउट 10 से 15 मिनट्स।
जब तक हमारी राजमा यहाँ पर कुक हो रही है, तब तक मैं फटाफट जीरा राइस बना लेती हूँ। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने पैन में ऐड किया है 1 चम्मच घी। घी यहाँ पर अच्छे से हो गई है गरम, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, 4 लौंग और थोड़ी सी ये जीरा। जीरा यहाँ पर अच्छे से क्रैकल हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। यहाँ पर मैंने नॉर्मल बासमती राइस का यूज किया है। चावल को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था 2 बारी, और वॉश करने के बाद मैंने इसका पानी स्ट्रेन करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखा था। इसमें मैं ऐड करूंगी पानी, तो जितना हमने चावल लिया है उसका डबल हमें पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर इस कप से 1 कप चावल लिया था, तो मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आधी नींबू का मैं इसमें रस ऐड कर लूंगी। नींबू का रस ऐड करने से जो चावल है वो बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसे मैं कवर करके कुक कर लूंगी फॉर अबाउट 12 to 15 मिनट्स। पूरे 10 मिनट हो गए हैं, तो ये जो चावल है मैंने एक बार चेक कर लेती हूँ, और यहाँ पर हमारी जीरा राइस जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैं वापस से इसकी लिड लगा देती हूँ, गैस को मैं कर लेती हूँ ऑफ। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बिल्कुल इसे इसी तरीके से रहने देंगे फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। इसकी लिड हटा लेती हूँ। राजमा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल टेस्टी ये राजमा बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल टेस्टी एकदम ज़बरदस्त ये राजमा चावल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है गाइस, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।